हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्टिंग कोडीज। सो गाइस, आज सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है टोर ब्राउजर के बारे में कि टोर ब्राउजर एक्चुअली में होता क्या है, टोर ब्राउजर हम इंस्टॉल कैसे करें, टोर ब्राउजर को कॉन्फ़िगर कैसे करें, और क्या टोर ब्राउजर यूज़ करना लीगल है या इनलीगल है। तो चलो इसके बारे में आज क्लियर करेंगे और सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ये चेतावनी जरूर सुने। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज है और इसमें मैं कम्प्लीटली टोर ब्राउज़र के बारे में कम्प्लीटली आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ और इससे रिलेटेड आप कोई भी इनलीगल काम बिल्कुल भी ना करें, इससे बिल्कुल भी ना करें, प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। मैं आशीष मिश्रा टेस्टी कोडी चैनल पर किसी भी प्रकार के हैकिंग को ना सपोर्ट करता हूँ ना ही बढ़ावा देता हूँ। उसके बाद भी अगर आप कोई भी काम ऐसा करते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी खुद होगी। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज हम जानने वाले हैं टोर ब्राउजर होता क्या है, टोर ब्राउजर से हम कर क्या सकते हैं। ठीक है, उससे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हमारे पास इतने सारे पॉपुलर ब्राउजर हैं तो हम टोर ब्राउजर क्यों यूज़ करें। पॉपुलर ब्राउजर मींस क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया एंड सफारी हो गया। जब ऐसे पॉपुलर ब्राउजर हमारे पास हैं तो हम टोर क्यों यूज़ करें, टोर का क्या काम है। गुड क्वेश्चन। तो आप ये जान लीजिए कि जो आपको सिंपल ब्राउजर नहीं दे सकते, जैसे क्रोम हो गया, सफारी हो गया, फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, उससे कहीं ज़्यादा आपको फीचर देता है, फ्रीडम देता है, सिक्योरिटी देता है टोर ब्राउजर। वो कैसे देगा इसको आगे हम देखते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए आपका ब्राउजर का वर्किंग फ्लो क्या है। जैसे आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो क्रोम आप जब यूज़ करते हैं तो क्रोम पे आप सिंपल सा सर्व करते हैं https://www.google.com। आप इंटर किए, आपका रिक्वेस्ट सर्वर पे गया, सर्वर पे गया तो रिक्वेस्ट उसके साथ साथ आपका पर्सनल डेटा भी लेके गया। पर्सनल डेटा मीन्स आईपी। आईपी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आईपी ही आपकी कंप्यूटर की आइडेंटिटी है। ठीक है, अगर आपके पास आईपी गया तो आप ट्रेस हो चुके हो, आपको कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। ओके, दूसरी चीज़ आपका लोकेशन जाता है। तीसरी चीज़ आपका ISP जाता है, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आप किससे डेटा यूज़ कर रहे हैं, ब्रॉडबैंड से यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, आप किससे डेटा यूज़ कर रहे हैं, वो ये तीनों इन्फॉर्मेशन जब आपके की कोई भी ले लेगा तो उसके बाद आप ओपन हो जाओगे, आप बिल्कुल सीक्रेट नहीं रह गए, आपकी प्राइवेसी लीक हो चुकी है। ठीक है, आपको कोई भी एक्सेस कर सकता है, कहीं से भी किसी भी तरीके से एक्सेस कर सकता है। ओके, और हैकर्स के लिए तो अगर इतनी इन्फॉर्मेशन गई तो उसके लिए फिर कोई बात ही नहीं है, फिर क्या तुम कहीं भी रहो उसके गुलाम ही रहोगे। ठीक है, तो एकदम इजी तरीके से आपको फाइंड आउट किया जा सकता है। लेकिन इसी सब सर्विसेज से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं टोर ब्राउजर। टोर ब्राउजर पहली चीज़ आपकी आईपी हाइड करता है, आपकी आईपी नहीं शेयर करता, ना आपका लोकेशन शेयर करता है और ना आपका ISP शेयर करता है, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, समझ में आ गया। ये तो हो गई बात की डिफरेंट बिटवीन क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्सेस टोर ब्राउजर। ठीक है, तो सिक्योरिटी मतलब समझ गए होगे कि सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा टोर ब्राउजर पे है। अब टोर क्या है, चलो टोर के बारे में जानते हैं। तो टोर इज अ शॉर्ट नेम ऑफ द ओनियन राउट। ओनियन राउट, ओनियन जानते हो ना आप, ओनियन। ओनियन को जब आप कट करो तो उसके अंदर लेयर्स होते हैं, लेयर्स, वन लेयर, टू लेयर, थ्री लेयर, फोर लेयर, ऐसे कई सारे लेयर्स होते हैं और वो लेयर्स को बाइंड करके एक ओनियन बनता है। तो कुछ ऐसा ही वर्किंग फ्लो है हमारे टोर ब्राउजर का। तो टोर ब्राउजर का अब वर्किंग फ्लो क्या है, चलो अब टोर ब्राउजर के वर्किंग फ्लो को समझते हैं। सो गाइस, समझते हैं अब टोर ब्राउजर का वर्किंग फ्लो। टोर ब्राउजर का वर्किंग फ्लो कुछ ऐसा होता है, आपको भी मैंने बताया ना, एक ओनियन लो, कट करो, उसके लेयर्स 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 रहते हैं। तो यही कुछ वर्किंग फ्लो है हमारे टोर ब्राउजर का। अब ये वर्किंग फ्लो कैसे वर्क कर रहा है, तो सिंपल सा है। जब भी आप टोर ब्राउजर के थ्रू कोई भी वेबसाइट सर्फ करते हो, सपोज गूगल को ही ले लो, आप टोर ब्राउजर इंस्टॉल किए, उसे कॉन्फ़िगर कर लिए, उसके बाद उसमें हिट करिए www.google.com और इंटर किए। जैसे ही इंटर करोगे आप, वैसे ही आपकी आईपी एड्रेस जाएगा किसी अनदर कंट्री में, फिर वहाँ से फिर अगेन रिडायरेक्ट होगा किसी अनदर कंट्री में, फिर वहाँ से रिडायरेक्ट होगा किसी अनदर कंट्री में, और तब जाके गूगल सर्वर के पास जाएगा। फिर वहाँ से डेटा गूगल जो उस लास्ट वाले आईपी एड्रेस के देगा, वो सारा डिस्ट्रीब्यूट करके मेरे पास डेटा को लाएगा। कुछ ये वर्किंग फ्लो होता है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको लास्ट में जब आपको हम कंप्यूटर पर प्रैक्टिस कराएंगे तो वहाँ पे आपको दिखा देंगे इसका वर्किंग फ्लो कैसे वर्क कर रहा है और उसे पूरा कंप्लीट कॉन्फिगर करना बताएंगे और समझाएंगे। मतलब आप सिंपल से समझ लो कि कुछ ऐसा होता है, सपोज ये आपका आईपी एड्रेस है,
और ये इंडिया से सर्व किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ के बाद से आप जाएगा रोमानिया, फिर कनाडा, फिर जाएगा अमेरिका, फिर यूके, ऐसे हो के तब सर्वर के पास जाएगा, और सर्वर के पास जो लास्ट वाला आईपी एड्रेस सेट करेगा उसके पास सिर्फ वो वाली इन्फॉर्मेशन जाएगी, बाकी ये तीन चार लेयर वाली हैं इनकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ये प्योर इनक्रिप्टेड रहेगा, ये एकदम सेफ रहेगा और इसे बिल्कुल भी एक्सेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है वर्किंग फ्लो। आई होप कि आपको ये थोड़ा समझ में आ रहा होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं कंप्यूटर पे आपको एक एक चीज़ करके दिखाऊंगा तो आप इसको इजीली समझ जाओगे और बहुत अच्छे से इसे कवर कर लोगे, ठीक है। तो ये रहा टोर ब्राउज़र का वर्किंग फ्लो, नॉर्मल ब्राउज़र का वर्किंग फ्लो। अब हम जान लेते हैं इंटरनेट होता क्या है। इंटरनेट, अब ये भी आप सोच रहे होगे कि मुझे इंटरनेट क्यों बता रहे हैं, इंटरनेट तो बहुत सभी जानते हैं इंटरनेट क्या होता है, गूगल चलाना, फेसबुक, सोशल मीडिया कनेक्टेड रहना, समथिंग समथिंग, जो भी आर्टिकल मुझे देखना हो देख सकते हैं, जो भी डाउनलोड करना हो कर सकते हैं। नहीं, आप अभी एक्चुअल इंटरनेट तो जानते ही नहीं हो। इंटरनेट 100% है और 100% में आप सिर्फ 4% यूज कर पा रहे हो बच्चा, आप 4% ज़्यादा यूज ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जो सरफेस वेब है इंटरनेट तीन टाइप में डिवाइड हुआ है, सरफेस वेब, डार्क वेब एंड डीप वेब, ठीक है। ये तीन भाग में डिवाइड हुआ है और जिसमें से इंटरनेट आप सिर्फ सरफेस वेब को सिर्फ 4% दिया गया है कि ये 4% में जो भी डेटा यूज़र देखना चाहे देख सकता है और कुछ नहीं कर सकता, बाकी चीज़ें होती हैं डार्क वेब में और डीप वेब में। अब डार्क वेब क्या होता है और डीप वेब क्या होता है, चलो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। सो अब बात करते हैं सरफेस वेब की, थोड़ा सा पहले सरफेस वेब क्लियर कर दें तब फिर बात करते हैं डीप वेब एंड डार्क वेब की। तो सरफेस वेब में एक्चुअली हम यूज़ क्या क्या कर सकते हैं, आप गूगल यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हैं, आप वेबसाइट्स बना सकते हैं, ई कॉमर्स यूज़ कर सकते हैं और यहाँ तक कि ब्लॉग बना सकते हैं, ब्लॉग में आता है वीलॉग एंड ब्लॉग दोनों कर सकते हैं। इट मीन्स आप कोई वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं, आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं, कॉमर्शियल साइट बना सकते हैं और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ये सब आती हैं सरफेस वेब में। सरफेस वेब ओनली 4% है इंटरनेट में, ठीक है, जो कि हम सभी लोग यूज करते हैं, ओके। अब बात करते हैं डीप वेब की। डीप वेब क्या है, डीप वेब में आप ये चीज़ जान लो, आप नेट बैंकिंग यूज करते हो, हिडन फॉर्म यूज कर सकते हो, प्राइवेट नेटवर्क यूज करते हो, हिडन विकिपीडिया करते हो, मेडिकल रिकॉर्ड्स करते हो, कुछ प्राइवेट पेपर्स होते हैं जो बनते हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह के, मतलब कुछ ऐसी पेपर्स डॉक्यूमेंट्स जो आपको नहीं दिखाया जाता है, वो सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं हम डीप वेब में। लेकिन डीप वेब यूज करने के लिए बहुत ज़्यादा इनलीगल नहीं है, ठीक है, जैसे थोड़ा बहुत सरफेस में देता है सरफेस वेब में कि थोड़ा बहुत इनलीगल एक्टिविटी कर सकते हो, लेकिन वो तुम्हारे रिस्क पे है, पकड़े जाओ तो तुम गए। उसी तरीके से डीप वेब में भी यही चीज़ है, थोड़ी सी आपको अथॉरिटी मिलती है, लेकिन आपको जब यूज़र आईडी पासवर्ड पता रहे तभी ये सारी चीज़ यूज कर सकते हो। अगर आप यूज़र आईडी पासवर्ड हैक करते हो तब आप यूज करोगे ये चीज़, लेकिन मेरी बात मानना, ये चीज़ बिल्कुल मत करना, ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी सपोर्ट इसका नहीं करता हूँ। तो आप हैकिंग करके आप इसको यूज कर सकते हो डीप वेब को। डीप वेब में बता दिया मैं, पेमेंट वगैरह लेना हो, लेन देन हो, और प्राइवेट फॉर्म हो, मेडिकल रिकॉर्ड्स हो, कुछ डॉक्यूमेंट हो, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हो, ये सारी चीज़ें एक प्राइवेट तरीके से जो यूज होता है उसको बोलते हैं डीप वेब। अब बात आती है डार्क वेब की। सो डार्क वेब, डार्क वेब में आप क्या कर सकते हो, डार्क वेब डार्क ही है, मतलब टोर कम्प्लीटली टोर को आप कॉन्फिगर कर सकते हो। कॉन्फिगर करने का मतलब ये है कि अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करके सारी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो और उसके बाद आप कोई भी इनलीगल इन्फॉर्मेशन कैच कर सकते हो। कोई भी इनलीगल इन्फॉर्मेशन मतलब जैसे वेपन्स के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है इनलीगल तरीके से, और ड्रग्स के इनलीगल इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स होते हैं, आप ऑनलाइन उसको गेज कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, और साथ ही साथ आप सारी इनलीगल एक्टिविटी इसमें होती है वो कर सकते हो, और भी गंदी संदी एक्टिविटी होती है इसमें जो मैं ऐसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहता ना मैं बोलना चाहता हूँ, बट इसमें सबसे ज़्यादा बेकार काम होता है, तो आप इसको तो बिल्कुल ही टच मत करिएगा, ये आपके बिल्कुल काम का नहीं है, ये उनके काम का है जो एकदम बेकार ही लोग होते हैं, ठीक है, अच्छे लोग का ये काम ही नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तीन भाग में डिवाइड है, सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब, जो कि हमने बता दिया आपको कम्प्लीटली कि किसमें क्या होता है, आपको उसे कैसे यूज़ करना है कि नहीं करना, किस तरीके से यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। तो आई होप कि इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
अब बात करते हैं हम कि टॉर ब्राउज़र को हम डाउनलोड कैसे करें। टॉर ब्राउज़र को डाउनलोड करने के लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए लिंक पे आपको ओपन करना पड़ेगा और आपको साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्क्रीन पे जो लिंक अपीयर हो रहा है इस पे आप क्लिक करके आप डायरेक्टली जा सकते हो ब्राउज़र को डाउनलोड करने के लिए। आपको मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा दे रहा हूँ, आपको कुछ ऐसा दिखना चाहिए स्क्रीनशॉट, इस तरीके से आपको स्क्रीनशॉट दिखेगा। वहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कैसे आप ब्राउज़र को डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं साथ में कि टॉर ब्राउज़र यूज़ करना लीगल है या इनलीगल है। तो बिल्कुल लीगल है, अपने यहाँ इंडिया में एकदम लीगल है। बट आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप नहीं करोगे तो सेफ़ रहोगे। जैसा कि हमने बता दिया, आप डार्क वेब नहीं टच करोगे, डीप वेब नहीं टच करोगे इनलीगल तरीके से, तब आप सेफ़ हो। अगर आप लीगल तरीके से करते हो तो लीगल तरीका, पहली बार डार्क वेब का है ही नहीं कोई लीगल तरीका, ठीक है। डीप वेब का लीगल तरीका है, आपके पास पासवर्ड होने चाहिए, आईडी होनी चाहिए, आपके साथ शेयरिंग किया हुआ आईडी पासवर्ड होना चाहिए, जो आप जिस पे हिट कर रहे हो उनके द्वारा प्रोवाइड किया गया हो, तब आप लीगल हो। अगर आप इनलीगल तरीके से करते हो तो आप पकड़े जाओगे और उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का यही मतलब है कि ये चीज़ इंडिया में लीगल है। अभी आप टॉर ब्राउज़र यूज कर सकते हो, बिल्कुल इंस्टॉल कर सकते हो, आप सर्व कर सकते हो, बट योर एट योर रिस्क, ठीक है। ये आपकी रिस्क पे होगा कि आप इसको कैसे यूज कर रहे हो। और अब इसमें मेन बात आती है कि टॉर ब्राउज़र में क्या ऐसी चीज़ है कि जो हम यूज़ ना करें, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सी ऐसी चीज़ जिसे ना यूज़ करें। सो आपको क्या करने से बचना है टॉर ब्राउज़र में, किससे बचना है कि आप सेफ रहोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप ये चीज़ ध्यान से सुनिए कि जब भी आप कोई वेबसाइट का URL देखते हैं तो आपको या तो .com, .org, .edu, .in, .online, .tech ऐसे कई सारे यूजुअल एक्सटेंशन वाले आपको वेबसाइट के URL मिलते हैं जो आप जानते हो, जिससे आप अवेयर हो, आप कभी ना कभी उससे देखे रहोगे। लेकिन ये URL कुछ ऐसे होंगे जिससे आप हैक हो सकते हो, आप ट्रेस किए जा सकते हो, आप पकड़े जा सकते हो इनलीगल तरीके से। वो वेबसाइट के URL एक्सटेंशन से स्टार्ट होगा .onion, .tor, इस तरीके के एक्सटेंशन से स्टार्ट जब हो तो आप उस वेबसाइट को बिल्कुल भी विजिट नहीं करना है। अगर आप उसे विजिट करते हो तो आप अपने रिस्क पे करना, आप पकड़े जाते हो तो आप अपनी जिम्मेदारी समझना, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ .onion एंड .tor एक्सटेंशन नाम की वेबसाइट को आपको बिल्कुल नहीं टच करना है, क्योंकि ऐसे वेबसाइट कोई ना कोई हैकर उसको ट्रेस करता रहता है और कोई ना कोई पुलिस डिपार्टमेंट उसे ट्रेस करती रहती है। और आप एक नॉर्मल पर्सन हैं तो आप इसे बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आपको तो पता भी नहीं कि कैसे कॉन्फ़िगर करना है हमें अपने ब्राउज़र को, तो आप पकड़े जा सकते हो। तो मेरी मानिएगा, अगर कोई बंदा आपसे आके भी कहता है कि भैया आप ये वेबसाइट को ओपन कर दो और बताता है कि abcd.onion है, तो आपको नहीं ओपन करना है, डायरेक्ट बोल देना भैया मैं नहीं कर रहा है चीज़, ठीक है। नहीं तो आप तब भी पकड़े जाओगे और आप प्रॉब्लम में फंसोगे, वो बंदा तो कह के चला जाएगा क्योंकि वो इन्वॉल्व नहीं है, कंप्यूटर आपके नाम का है, सारी चीज़ आपके नाम पे है और आप पकड़े जाओगे। तो इसलिए इस चीज़ से आप अवेयर रहना, आप बचना और कोशिश करना कि आप डीप वेब और डार्क वेब को सर्फ ना करो। और डीप वेब करो भी तो जिसका यूज़र आईडी पासवर्ड आपके पास हो, लीगल तरीके से करो, इन लीगल तरीके से बिल्कुल भी ना यूज़ करो, ठीक है। क्योंकि डीप वेब को यूज़ करना लीगल है और कुछ हद तक लीगल है जब तक आप लीगल तरीके से यूज़ करते हो, और डार्क वेब तो फुल्ली इनलीगल है, आप बिल्कुल भी उसे मत यूज़ करना। फुल्ली इनलीगल इन्फॉर्मेशन, फुल्ली इनलीगल वर्क्स, इसके अंदर सारी चीज़ इनलीगल तरीके से होती है। तो चलो अब शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे और वहाँ दिखाते हैं कैसे ब्राउज़र को डाउनलोड करेंगे और कैसे इंस्टॉल करेंगे और साथ ही साथ कैसे इसको हम सेटअप करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए और यूज़ करिए, और कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वेबसाइट ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो और ब्राउज़र इंडिया में फुल्ली लीगल है, आप इंडिया में ये ब्राउज़र बिल्कुल यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी तक के लिए तो है, अगर जैसे नहीं होगा, कभी बैन होगा तो भी मैं आपकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो ठीक है, चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं प्रैक्टिकल करके कि ब्राउज़र कैसे हम डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे। सो गाइस, हम आ गए हैं अपने अपने ब्राउज़र पर और यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कैसे डाउनलोड करना है टॉर ब्राउज़र को और कैसे इंस्टॉल करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ टाइप करना है टॉर ब्राउज़र डाउनलोड, और क्लिक करोगे तो आपका वही लिंक अपीयर होगा जो आपको अभी तक स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा था।
यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप चूज कर सकते हो आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड करना चाहते हो। ठीक है, पहला है विंडोज के लिए, दूसरा है मैक, तीसरा लिनक्स और चौथा है एंड्रॉइड के लिए। अभी तक एंड्रॉइड के लिए नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटली में लॉन्च हो गया है एंड्रॉइड के लिए और ये वेबसाइट भी अपडेट हो चुकी है। ठीक है, तो आपको डाउनलोड ब्राउजर पर क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करोगे डाउनलोड विल बी स्टार्ट सून। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, इस वजह से ये ऐसा मैसेज अपीयर हो रहा है कि डू यू वांट टू डाउनलोड अगेन, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे में ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है, तो मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा। उसके बाद आपको डायरेक्टली ओके कर देना, यहाँ से डाउनलोड होने लगेगा। आफ्टर डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करना है हमें, तो हमारा यहाँ पे ब्राउजर ये दिख रहा है, टोर ब्राउजर इंस्टॉल, इस पर राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है आपको। उसके बाद यस कर देना है, जो भी कंफर्मेशन मांगेगा। यहाँ पे लैंग्वेज एक्सेप्ट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, कौन सा लैंग्वेज आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो भी लैंग्वेज आपकी हो वो चूज कर सकते हो। यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ब्राउज करने का आप लोकेशन मांग रहे हैं, किस लोकेशन पे आप सेव करना चाहते हो इसकी फाइल वगैरह को, टेम्परेरी फाइल इसका जनरेट होता है, तो मैं एज दिस रहने देता हूँ, क्योंकि ये डेस्कटॉप पे कर रहा है तो मैं डेस्कटॉप पे नहीं कर रहा हूँ और इसको मैं सी ड्राइव में कर दे रहा हूँ, जिससे कि ये हमारा सारी चीजें ये सी ड्राइव में रखे। मैं यहाँ पे ओके कर देगा और इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया, ये इंस्टॉलेशन होने लगा। आपको डिटेल्स चाहिए तो डिटेल्स देख सकते हो, कौन कौन सी फाइल यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है, जैसन फाइल, एनआई फाइल, .exe फाइल, DLL फाइल, ये कई सारी फाइल के पैकेजेस होते हैं, सारे इंस्टॉल होते हैं। और इंस्टॉल होने के बाद ये इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा कुछ सेकंड लेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। अभी देखो मैं बोल ही रहा हूँ तभी ये इंस्टॉल कर दिया है, लगभग कर दिया है और ये कम्प्लीट हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है, रन ब्राउजर ऑन द टॉर ब्राउजर एंड एड शॉर्टकट डेस्कटॉप। तो मैं इसको अभी फिलहाल यस कर दे रहा हूँ। यस करने के बाद थोड़ी देर आपको होल्ड रहना है, वेट करना है, एक स्क्रीन अपीयर होने वाली है और स्क्रीन अपीयर हो जाएगा तो कुछ ऐसा मैसेज आएगा। अब यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है या कनेक्ट करना है, तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर दोगे तो ये आपको कनेक्ट कर देगा, ये अपने अकॉर्डिंग कनेक्ट करेगा। ठीक है, और अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है, इसका मतलब कस्टम सेटिंग करनी है, तो आप कॉन्फ़िगर पर क्लिक कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने के लिए आपको गाइस इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ ऐसा लिंक मैसेज अपीयर होगा और यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। आप एज इट इज चाहते हो कि टॉर ब्राउजर मेरी खुद की सारी सेटिंग करके दे और मेरे अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग आप कॉन्फ़िगर करके दे, तो आप कनेक्ट पे क्लिक कर सकते हो। बट अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन आता है तो आप कॉन्फ़िगर पे यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ ऑप्शंस आएंगे और वो ऑप्शन को आप यूज कर सकते हो। अपना आईपी एड्रेस डाल सकते हो, पोर्ट नंबर डाल सकते हो, यूजर नेम, पासवर्ड, यहाँ प्रॉक्सी के टाइप भी दिखा सकते हो। और या तो फिर आपको कंसर्न करना है मतलब अपने कंट्री के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कंट्री ब्रिज चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे इसके थ्रू भी चूज कर सकते हो, रिक्वेस्ट ब्रिज फॉर टॉर प्रोजेक्ट, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हो, तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। बट मैं इसको नहीं यूज़ करूँगा, मैं आपको सिंपली मुझे सिर्फ टॉर ब्राउजर के बारे में बताना है, तो मैं इसको फिलहाल सेंटर पर लाता हूँ पहले तो, और यहाँ कनेक्ट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। थोड़ी देर वेट करेगा, यहाँ कुछ प्री डिफाइंड कंट्रीज हैं उन्हीं से कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ थोड़ी देर वेट करना, आपकी इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये टॉर इंस्टॉल तो होगा, पर आप अनइंस्टॉल करने जाओगे तो आपको प्रोग्राम एंड फाइल्स में नहीं मिलेगा, तो इसके अनइंस्टॉलेशन फाइल आपको आप अनइंस्टॉलेशन फाइल पे जाके आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे बताना, मैं आपको इसका भी हेल्प कर दूंगा। सो गाइज, ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है कम्प्लीटली और मेरे सिस्टम पे स्क्रीन भी अपीयर हो चुका है। हो सकता है इसकी लैंग्वेजेस कुछ चेंज हो, लेट्स सी। यहाँ पे कुछ सर्च करके देखते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे गूगल ही सर्च करके देखते हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ google.com। और जैसा कि हमने बताया था आपको, सबसे पहली सेक्शन बताया था कि ये कुछ ओनियन की तरह होते हैं, इसके लेयर बनते हैं, तो वो लेयर आपको समझाना चाहता हूँ कि ये कैसे, मैं कह रहा था वो लेयर चीज़, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर कुछ आ रहा है, ये लैंग्वेज के लिए आई थिंक, और यहाँ पर हम यहाँ लैंग्वेज पहले चूज कर लेते हैं क्योंकि आई थिंक इस लैंग्वेज से प्रॉब्लम होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं बेटर बन पाएगी। परफेक्ट एंड नाउ गुड। ओके, ये हो चुका है, अब यहाँ पे हमारा सारा चीज़ ओपन हुआ है, बट यहाँ पे अभी भी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, अब ये इंग्लिश लैंग्वेज हो चुका है। अब हमारा गूगल खुला है, ठीक है, लेकिन गूगल किस तरीके से खुला वो आपको दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा दिस ब्राउजर था, मैंने यहाँ से सर्वर से रिक्वेस्ट किया अपने ब्राउजर से, तो सबसे गया पहले गया फ्रांस, यहाँ पे देखो गार्ड लगा है, ये प्योर इनक्रिप्टेड है यहाँ पे आने के बाद। उसके बाद गया नॉर्वे, नॉर्वे के बाद गया स्वीडन, एंड स्वीडन के बाद गया गूगल के पास, तो यहाँ से डेटा मुझे ला रहा है। इसका मतलब मेरी पर्सनल आईपी एड्रेस हाइड किया है और मेरी आईपी में ये तीन लेयर ऊपर से बने हैं।
तो इस तरीके से आप यहाँ पर बहुत सिक्योर रहते हो, सिक्योरिटी के साथ आप काम कर सकते हो, और इसीलिए हैकर्स इसे यूज़ करते हैं कि उन्हें कोई ट्रेस ना कर पाए। ठीक है, हैकर्स चाहते हैं कि मुझे कोई ट्रेस ना कर पाए, इस वजह से इस ब्राउज़र को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, जबकि ये ब्राउज़र बहुत ही स्लोअर है अकॉर्डिंग टू गूगल क्रोम, फायरफॉक्स और ये सारी चीज़ के अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा स्लो है। और यहाँ इसको यूज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप बहुत अच्छी आपकी इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए तो आपका ये परफेक्टली वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना।